प्रयागराज के राजरूपपुर स्थित बाल संरक्षण गृह में करीब 7 महीने से बंद अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे अहजम और आबान को रिहा कर दिया गया है। अतीक के चौथे नंबर के बेटे अहजम और पांचवें व सबसे छोटे बेटे आबान को बाल संरक्षण गृह से रिहा करते हुए इनकी कस्टडी बुआ परवीन को सौंप दी गई है। परवीन अतीक अहमद की बहन है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इन दोनों की रिहाई हुई है। बुआ परवीन अहजम और आबान को अपने साथ लेकर गई हैं। बता दें कि अतीक अहमद की बहन परवीन ने दोनों बच्चों को अपनी कस्टडी में दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों बेटों की रिहाई का आदेश जारी कर उन्हें बुआ परवीन को सौंपा है। रिहाई के वक्त बाल संरक्षण गृह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर वरुण कुमार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर बच्चों का बयान दर्ज कराया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उचित फैसला लेकर 10 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मंगलवार 10 अक्टूबर को होनी है। सुनवाई से पहले ही बाल संरक्षण गृह से अतीक अहमद के बेटे अहजम और आबान को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि दोनों 4 मार्च से ही बाल संरक्षण गृह में बंद थे। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया था कि चौथे नंबर के बेटे अहजम ने वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन को एक्टिवेट कर उसमें कोडिंग की थी। हालांकि पुलिस द्वारा अभी तक अहजम को आरोपी बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। तकरीबन 7 महीने बाद बाल संरक्षण गृह से अहजम और आबान रिहा हुए हैं।